वो कह रहे हैं राहुल गांधी का ये बयान गद्दारी वाला बयान है। अमीश जी देखिए, अरे सुनिए देखिए अमीश जी, बड़ा गंभीर विषय है और इस पे गंभीरता से बात होनी चाहिए। आपत्तियां सिर्फ इस बात की हैं कि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और तथ्यों को छुपाती है। अब जब 2020 में जब डोकलाम हुआ था तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जून महीने में, अगस्त महीने में, 5 अगस्त को। चुनौती दे रहा हूं मैं, और उसमें खुद बताया था रक्षा मंत्रालय कि हमारे सीमा रिपोर्ट दिखाया, अभी घुसपैठ कर लिया है। नहीं क्यों नहीं, और उसी वो रिपोर्ट कहा नेक्स्ट डे 6 अगस्त को बोलेंगे, 6 अगस्त को उस रिपोर्ट को आर्मी की वेबसाइट से हटवा दिया गया। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। उसके बाद चीन में हमारे जो राज एम्बेसडर थे उन्होंने जे के एम वर्मा ने उन्होंने इस बात को चीन में दर्ज कराया। पीटीआई ने इसको ट्वीट किया हमारे विदेश वहाँ चीन के एम्बेसडर की न्यूज को, इसे भी बाद में डिलीट करा दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इन्होंने जिक्र किया आल पार्टी मीटिंग, जिसमें उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ तो आप मानते हैं कि कोई घुसा है। और दूसरा ही दिन नहीं, आप मानते हैं कि कोई घुसा है। ये 19 को मीटिंग थी, 19 जून को ये, उसके बाद 20 तारीख को पीएमओ ने ही इस पे स्पष्टीकरण दिया था कि हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मोदी जी की बात को उन्होंने खंडन किया था। मैं रुक करता हूँ एक सेकंड। अमित जी आपने 3 बार कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका दिया, मेरे को भी 3 बार मौका दिया। आप दोनों को मौका दूंगा वारिस बोल फिर आप गौरव बोल लीजिएगा। वारिस पठान आपके आपके नेता एक सेकंड गौरव भाटिया अखिलेश प्रताप सिंह शाह बाकी दो मेहमान भी है, मैंने बराबर का मौका दिया है। एक गौरव शांत मैंने आपको भी बराबर का मौका दिया है। वारिस पठान, पॉइंट यह है कि जो बात उस दिन असद ओवैसी कह रहे थे वो आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत की सेना पिट रही है? अमीश भाई सबसे पहला तो मैं एक मिसकंसेप्शन और एक जब भ्रम ये फैलाया जा रहा है ना भाजपा और आप लोग के थ्रू, इसको क्लियर करना चाहता हूं कि विपक्ष या देश वाला कोई हमारे जवानों पे सवाल कर रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा। पूरा विपक्ष, पूरा देश हमारे बहादुर जवानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। सवाल के खड़े सवाल है दिख रहा है जो सरकार की नीति पर, सवाल है सरकार की नीयत पर। बात यह है कि मोदी जी आधा सच आधा झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना 1 इंच कब्जे में गए। सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि देपसोंग और देमशोक के अंदर घुसी हुई है चीन लोग हमारे, फिर भी हम उनके साथ ट्रेड करते जा रहे हैं। अब बात नंबर 2 है कि क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं कि क्या हमारे जवान सुरक्षित है नहीं बॉर्डर पे, क्या स्थिति है बॉर्डर पे? बिल्कुल देश की जनता को पूरा हक है ये बात जानने का, क्या देश के नेताओं को हक है ये कहने का कि भारत की सेना पिट रही है, भारत की सेना मार खा रही है? इस सवाल का जवाब दे दो जरा आप। किसने बोला? आपके नेता ने बोला। सुनिए, आपके नेता ने बोला, राहुल गांधी ने बोला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तापिर गांव, सुनिए बीजेपी के जो नेता है तापिर गांव ने बोला भारत की सेना पिट रही है। तापिर गांव की आड़ लेकर तो मजा आएगा, बोलने देंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। देखिए, ये भारत और चीन का विवाद है, ये मजे के लिए नहीं है, ये देश का मुद्दा चाहती है, देश की सेना चाहता है, देश सुनना चाहता है। तापिर गांव ने कहा कि 8 से 10 हमारे सैनिक घायल हुए, हमने हमारे 20 सैनिकों को गलवान में खो दिया, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। अमीश भाई, सरकार को जाग जवाब लाल आग दिखाना चाहिए चीन को। के सेना अगर हमारी सरहद पे नजर भी डाला जी टांग तोड़ के रख देंगे। टीवी की डिबेट प्रवक्ता आके यहाँ पे बकवास करते हैं, उससे अच्छा पार्लियामेंट में जाके बोलो ना। नहीं अच्छा, टीवी की डिबेट में आके प्रवक्ता बकवास करते हैं आकर पार्लियामेंट के अंदर हो गया जी वही कर रहे हैं, भरम फैला रहे झूठा झूठा पूरे देश के सामने ये लोग रोज भर। अरे देश के झूठ बोल रहा है के सिन्हा, आप तो किसी पार्टी से नहीं है, आप तो देश के जवान है, मेजर जनरल रिटायर्ड है के सिन्हा। बिल्कुल है के सिन्हा साहब, मेरा के सिन्हा से सवाल है, के सिन्हा कौन झूठ बोल रहा है और भारत की सेना मार खा रही है पिट रही है? अमेर सिंह जय हिंद।
देखिए हमारे आपके चैनल में जनता का आपके श्रोताओं के दरबार में हमें थोड़ा सा समय देंगे कि हम मैं इनको तथ्यों को रख, क्योंकि आपने शुरू किया है कि जब से देश आजाद हुआ और आज तक जो नीति है नियत है उसके ऊपर में बातचीत है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटना पिटाना मार खा गया ये जो इस तरह की जो बहसें अब लोग करते हैं तो उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। जो आप आज मुद्दा लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। आपने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और वो बदला जब आपके जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा कि चीन नंबर दूसरा नंबर वन, ये तो उस समय भी नहीं बदला था ना 62 के बाद भी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। के सिन्हा, मेरा वादा है आपसे, आपने बड़ा मुद्दा उठाया है, भारत की चीन की पॉलिसी आजादी से अब तक क्या रही है। ब्रेक के बाद इसकी चर्चा की, आप देख रहे हैं।